गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, और इंग्लिश वन में आपका टेस्ट ले चुके हैं आप लोगों ने। अच्छा उसमें रिस्पांस दिया, अच्छा आपने टेस्ट किया है, तो इस तरह से ही आपने आगे भी पढ़ते रहना है। तो आज मैं आपका नया लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिर मैं उसमें से ही आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है? तो चलिए आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लीजिए और देखिए आज हमने क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर है 6, इंटेलिजेंट बीरबल, पेज नंबर है 62। तो आपने ध्यान से सुनना है, ये कहानी है बीरबल की। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान जो बीरबल है उसकी ये कहानी है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। लॉन्ग बैक किंग अकबर हैड अ मैग्निफिशेंट न्यू कैपिटल बिल्ट एट फतेहपुर। तो ये कहानी है राजा अकबर के दरबार की, ये कहानी है। उन्होंने अपना एक जो राज्य था वो कहाँ बनाया? फतेहपुर में बनाया, फतेहपुर सिकरी। इट वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और ये कहाँ था? सिटी के ही बाहर ये शहर जो था वो था। द किंग एंड हिज क्वीन शिफ्टेड इन टू द न्यू पैलेस, और जो राजा और रानी थे वो अपने नए राज जो उनका महल था उसमें शिफ्ट हुए। सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट कोर्टियर्स इंक्लूडिंग बीरबल वर गिवन हाउसेस क्लोज टू द प्लेस पैलेस। उनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्टियर्स थे, कुछ मंत्री थे उनके, जिनमें बीरबल भी शामिल थे, उनको ही उनके महल के पास ही रहने के लिए घर भी दिए गए। वाइल मोस्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स हैड टू बिल्ड देयर ओन हाउसेज इन द विलेज, लेकिन उनमें से कोई मंत्री ऐसे थे उनके जिनको खुद ही गाँव में अपने लिए घर बनाना पड़ा। दिस मेड देम वेरी जेलस ऑफ बीरबल, और यही कारण था जिस वजह से वो बीरबल से जलते थे, ठीक है? तो अकबर की कहानी है ये, अकबर और बीरबल, आपने नाम सुना होगा। अकबर के दरबार में एक उनका मंत्री था, वो था बीरबल। वो बहुत ही बुद्धिमान था, तो इसी कारण से उन्होंने उनको अपने अपने महल के ही पास क्या दिया, रहने के लिए घर दिया, और कुछ मंत्री अपने आप ही घर बनाकर गांव में रहते थे। तो इस कारण से जो मंत्री थे वो बीरबल से जलते थे, ठीक है? दे डिस्कस अमंगस देमसेल्व, वो आपस में इस बारे में चर्चा भी करते थे कि वाई इज़ बीरबल ट्रीटेड सो डिफरेंटली, कि बीरबल को इतना अलग ट्रीट क्यों किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पैरा, दे वर थिंकिंग ऑफ वट शुड बी डन सो दैट दे आर एबल टू लेट डाउन बीरबल इन फ्रंट ऑफ किंग अकबर। वो लोग हमेशा इस बारे में विचार करते रहते थे, और अन्य मंत्री जो लोग थे वो सोचते रहते थे कि ऐसा क्या किया जाए कि बीरबल को राजा के सामने नीचा दिखाया जाए, ठीक है? दे न्यू दैट बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो लोग जानते थे जो बीरबल है वो बहुत बुद्धिमान है। दे लॉन्ग फॉर द डे वेन द किंग वुड आस्क बीरबल अ क्वेश्चन विच ही वुड नॉट बी एबल टू रिप्लाई। दे लॉन्ग फॉर द डे, वो इस दिन का इंतज़ार करते थे कि कोई ऐसा सवाल हो कि जो बीरबल राजा के सामने जिसका जवाब ना दे पाए। वन ऑफ द कोर्टियर्स वॉज वेरी जेलस, उनमें से जो एक मंत्री था वो बहुत ज़्यादा जलन करता था बीरबल से। उनमें से जो एक मंत्री था वो बहुत ही ज़्यादा बीरबल से जलता था, जेलस करता था। वंस व्हेन बीरबल हैड गॉन टू अ फार ऑफ पैलेस, एक बार जब बीरबल महल से बहुत दूर गया, ही केम अप विद अ प्लान ड्यूरिंग द मीटिंग इन दरबार। तो वो अपने दिमाग में एक विचार, एक आइडिया लेकर आया दरबार में। ही सेड टू किंग अकबर, उसने राजा से कहा, योर ऑनर इज इन बीरबल वेरी क्लेवर, महाराज से कहा मंत्री ने कि महाराज क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीरबल बहुत चालाक है? क्लेवर मतलब चालाक। ही क्लेम्स टू रीड द थॉट्स ऑफ द अदर्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ही क्लेम मतलब वो इस बात की क्या करता है, वो क्लेम करता है इस बात में, वो क्या करता है, घोषणा करता है कि वो दूसरों के मन के विचार पढ़ सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये कैसे मुमकिन है। आगे देखिए, जस्ट देन अनदर कोर्टियर गॉट अप, तभी दूसरा मंत्री खड़ा हुआ। नो डाउट बीरबल इज़ अ जीनियस, तभी एक मंत्री खड़ा हुआ और वो बीरबल के लिए कहने लगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बीरबल क्या है, बहुत जीनियस है, बुद्धिमान है। ही सीम्स टू नो एवरी थिंग, वो हर चीज़ जानता है। ही सीम्स टू नो एवरी थिंग, उसे हर चीज़ पता है, वो हर चीज़ जानता है।
किंग अकबर रिमार्क, इज इट ट्रू? तो राजा ने पूछा, क्या ये सत्य है? लेट मी फाइंड आउट वंस ही रिटर्न्स। इस बात का हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे एक बार अकबर वापस आ जाए महल में। नेक्स्ट पैरा, दिस इज व्हाट द कोर्टियर्स वर वेटिंग फॉर। और इसी बात का मंत्री जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर अ वीक बीरबल रिटर्न, बीरबल वापस आया। इन द इवनिंग वाइल अटेंडिंग द मीटिंग, शाम के वक्त जब वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे दरबार में, द कोर्टियर्स एंक्शियसली वेटेड फॉर द किंग टू क्वेश्चन बीरबल। तो जो मंत्री उससे जेलस करते थे, वो लोग बड़ी ही उत्सुकता से इस बात का वेट कर रहे थे कि महाराज अकबर जो है बीरबल से क्वेश्चन करें। दे डेस्परेटली वॉन्टेड बीरबल टू बी लेट डाउन। तो वो बहुत ही अंदर से मतलब खुशी से वो इंतज़ार कर रहे थे कि दरबार में बीरबल को नीचा दिखाया जाए। वेरियस क्वेश्चंस क्रॉस देयर माइंड्स, अलग अलग क्वेश्चन जो थे उसके दिमाग में चल रहे थे। हाउ विल ही रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करेगा? विल ही लीव किंग अकबर, क्या वो अकबर का दरबार छोड़ के चला जाएगा? वुड ही टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलेगा? तो बहुत सारे जो बातें थी वो मंत्री के दिमाग में चल रही थी। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, सभी महत्वपूर्ण बातों पे विचार करने के बाद, बातें करने के बाद, किंग अकबर आस्क बीरबल, राजा ने पूछा, इज इट ट्रू दैट यू कैन इवन रीड माइंड्स ऑफ अदर्स, क्या ये बात सत्य है कि तुम दूसरों के विचार पढ़ सकते हो, दूसरों के मन के विचार पढ़ सकते हो? तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल फॉर अ सेकेंड वॉज टेकन अ बैक। बीरबल कुछ समय के लिए क्या करने लग गया, कुछ सोचने लग गया। ही हैड अ क्विक लुक अराउंड, उसने मतलब बहुत जल्दी से लुक अराउंड मतलब अपने चारों ओर देखा। ही सॉ अ नेस्टी स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ सम ऑफ द कोर्टियर्स। तो उसने एक नेस्टी मतलब जो होता है जैसे हम किसी को देख के चढ़ाते हुए हंसते हैं, तो इस तरह की स्माइल जो है उसने किसी कुछ मंत्रियों के मुंह पर देखी। ही क्विकली टर्न बैक टू द किंग एंड कामली रिप्लाइड। अब वो जल्दी से राजा की तरफ मुड़ा और उसने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, आई कैन सर्टेनली रीड द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अदर देन यू प्रेजेंट इन दिस कोर्ट। मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ, माइंड पढ़ सकता हूँ, एक एवरी पर्सन मतलब सभी लोगों का मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ, और अभी भी मैं कोर्ट में लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, प्रेजेंट मतलब अभी इस समय। ही ग्लैंस स्लाइली एट द कोर्टियर्स, उसने एक नज़र मंत्रियों की ओर मारी। किंग अकबर आस्क हिम टू से क्विकली, किंग अकबर ने उससे कहा कि तुरंत वो इस बात का जवाब दे। बीरबल आंसर, ईच ऑफ योर कोर्टियर्स हु हैव गैदर्ड हियर आर ऑल थिंकिंग द सेम। बीरबल ने कहा, आपके जितने भी मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं उनके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही है, वो एक ही विचार कर रहे हैं, दे आर विशिंग दैट। और क्या विचार कर रहे हैं, अब सुनिए, मे अवर किंग हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड दैट ही इज एबल टू रूल अस फॉर एवर। तो सभी के मन में एक विचार चल रहा है, तो क्या विचार चल रहा है मंत्रियों के मन में, बीरबल ने बताया, मे अवर किंग, हमारे जो राजा हैं, मे अवर किंग हैव अ लॉन्ग लाइफ, हमारे जो राजा हैं उनकी जो लाइफ हो वो बहुत लंबी हो, उम्र लंबी हो, एंड दैट ही इज एबल टू रूल अस फॉर एवर, और वो हमारे राज्य पर हमेशा क्या करें, रूल करें, राज्य करें, हमारे राजा की उम्र लंबी हो और वही हमारे राज पे जो हम उनकी प्रजा हैं वो हमारे ऊपर क्या करें, रूल करें हमेशा। ही टर्न टू द कोर्टियर एंड सैड, इज इट नॉट ट्रू? तो वो तभी मंत्रियों की तरफ मुड़ा बीरबल और उसने उनसे पूछा, क्या ये सत्य नहीं है? आगे देखते हैं, द कोर्टियर्स न्यू दैट बीरबल हैड द बेटर ऑफ देम एंड ही हैड वन। कोर्टियर्स ने ये सोचा कि अब बीरबल ने क्या दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो वो अब फिर से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। नन ऑफ देम कुड डिनाई व्हाट बीरबल सेड, और ये ऐसी बात बीरबल ने कही थी कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता था। वन ऑफ देम सेड, योर ऑनर ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो एक मंत्री ने कहा कि बिल्कुल महाराज, बीरबल जो है बिल्कुल सच कह रहे हैं। नॉट वन ऑफ देम डेयर्ड से दैट दे वर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि उनके मन में कुछ और ही विचार चल रहा है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल अराउंड, कभी बहुत सारी बातों पे क्या हुआ, विचार किया गया, बातें की गई। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, और राजा जो है वो जो महाराज थे वो अब सभी बातें समझ चुके थे। ही लेट आउट अ लाउड क्राई, बीरबल यू आर जस्ट टू ग्रेट, यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबडी।
और उन्होंने एक जोर की आवाज़ से कहा कि बीरबल तुम क्या हो, महान हो, यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबडी, मैं तुम्हें किसी के भी साथ तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। ऑल दी कोर्टियर्स वर लेफ्ट क्रेस्ट फॉलन नोइंग फुली वी ऑल दैट दे हैड वंस अगेन लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट बीरबल। और सभी लोग अपनी गर्दन झुकाकर इस बात को क्या कर रहे थे, समझ गए थे कि हम एक बार फिर से बीरबल से ये क्या करके इस हार चुके हैं, एक बार फिर से बीरबल ने हमें क्या कर दिया है, हरा दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी स्टोरी है, आपने इसको एक बार फिर से रीड करना है, समझना है, और इसमें से ही मैं आपसे फिर क्वेश्चन भी पूछूंगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, एक बार से इसे फिर से पढ़ लीजिए।